नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर अयोध्या से। थाना खंडासा तहसील मिल्कीपुर जनपद अयोध्या अंतर्गत ग्राम घटौली में दलित प्रधान के भाई और उसके सहयोगी को घटौली चौराहे पर सुलह के लिए बुलाया। हॉकी और लाठी डंडों व धारदार हथियारों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सिर फटने व खून की पलटियां होने के बाद एक युवक हुआ बेहोश। प्रार्थी सालिक राम पासी पुत्र श्री रामचंद्र निवासी घटौली थाना खंडासा तहसील मिल्कीपुर जनपद अयोध्या का मूल निवासी है, जो कि अनुसूचित जाति का है, जो कि खेत में गड़े खूंटे के विवाद को हल करने के लिए विद्यानंद यादव पुत्र जगन्नाथ यादव निवासी ग्राम घटौली ने फोन करके मुझे घटौली चौराहे पर बुलाया। वह ग्राम प्रधान के भाई खुशीराम के साथ जैसे चौराहे पर पहुंचा तो वैसे ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हॉकी लाठी डंडे व धारदार हथियार से वही मौजूद विपक्षी विद्यानंद यादव, परमानंद यादव, कृष्णानंद पुत्र गण जगन्नाथ, दिनेश यादव, जगत राम यादव के साथ तीन अज्ञात लोगों ने प्राण घातक हमला कर दिया, जिसमें सालिक राम का सिर फट गया, जिससे बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। खुशीराम का हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद तमाम लोगों के इकट्ठा हो जाने पर उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देने लगे और हवा में असलह लहराते हुए वहां से चले गए। यह घटना दिनांक 18 जून दिन शुक्रवार प्रातः 10:30 बजे की है। परिजन आनन फानन में लेकर थाने रवाना। खंडासा थाना क्षेत्र के घटौली गांव की घटना। अयोध्या मंडल ब्यूरो सुनील तिवारी की रिपोर्ट।